So in this compound there are three nitrogen. Nitrogen represented by nitrogen A, nitrogen B, nitrogen C. Identify or arrange in the increasing order of basic nature of the nitrogen. Arrange in the increasing order of basic nature of the nitrogen. या ऐसे सोचो, यहां पर एक एसिड को लेके आते हैं, H प्लस. H प्लस इज एसिड. अब इस H प्लस का अटैकिंग ऑर्डर क्या होगा? एसिड तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस में अटैक करेगा, तो इस H प्लस ये तीनों नाइट्रोजन में किस ऑर्डर से अटैक करेगा? वेदर इट विल अटैक ऑन नाइट्रोजन ए बी सी, ऑर्डर क्या होगा, प्रायोरिटी क्या हो जाएगा उस एसिड का अटैक करने का? तो जरा कंपेयर करो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन नाइट्रोजन किस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, कहां पर डीलोकलाइज है? अब देखो यहां पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. यहां पर भी लोन पेयर है, मगर इसका जो लोन पेयर है दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन. लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? देखो ये यहां गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से भी लोन पेयर सिंगल डबल, यहां से भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है. मतलब यहां से भी लिख सकते हैं या यहां से भी लिख सकते हैं. तो यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन में तो नेगेटिव रहेगा, इस नाइट्रोजन में फिर पॉजिटिव आ जाएगा. अब देखो यहां पर उसका मतलब क्या हुआ, यहां जो लोन पेयर था, यहां जो लोन पेयर था, मतलब ऑन ए लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन ए एंड द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन बी, बोथ द लोन पेयर आर डीलोकलाइज्ड. क्योंकि लोन पेयर तो यहां नहीं है, तो लोन पेयर तो चला गया यहां पर, तभी तो यहां नेगेटिव आया. लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ए एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन बी आर नॉट लोकलाइज्ड लोन पेयर, दे आर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर. वेयर एज लोन पेयर जो नाइट्रोजन सी में जो लोन पेयर था, देखो वो तो वहीं पर ऐसी है, वो तो लोन पेयर लोकलाइज है. और क्या हुआ, इस नाइट्रोजन में देखो एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी आ गया. मतलब किस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? ए बी सी, सी में. क्यों? क्योंकि सी में तो जो लोन पेयर है पहला तो वो लोकलाइज है, वो वहीं पर अवेलेबल है. लोकलाइज का मतलब क्या, उसका अवेलेबिलिटी वहीं पर है. डीलोकलाइज का मतलब क्या, उसका अवेलेबिलिटी वहां पर नहीं है. तो इसका तो लोन पेयर लोकलाइज है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड इसके पास एक नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, उसका मतलब नाइट्रोजन सी हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू द नाइट्रोजन ए एंड बी. सो उसका मतलब एसिड का अटैकिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो सी में जाकर अटैक करेगा, क्योंकि सी में उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस नाइट्रोजन के पास ज्यादा है. सो नाइट्रोजन सी इज मोर बेसिक. और ए आर सी क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि यहां पर भी जैसे जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है वहां वही स्ट्रक्चर तो यहां पर भी है. तो ऑर्डर ऑफ अटैक क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जाके सी में अटैक करेगा, देन इट विल अटैक विद द सेम रेट ऑन ए एंड बी. या बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, सी इज मोर बेसिक देन ए एंड ए इज इक्वल बेसिक विद बी.
अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। एक चीज ध्यान रखना है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जब भी चेक करना है, कार्बोकेटायन क्या क्या होता है, कार्बोकेटायन का मतलब ऑलरेडी उसके पास डेफिशिएंसी है, तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? ऑल दोस व्हिच विल गिव्स इलेक्ट्रॉन टू कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो तुम्हें यह चेक करना है कि किस कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किस कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रहा है। विच कार्बोकेटायन हैज स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज। अब वो कैसे चेक करेंगे, देखो यहां पर क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटायन, तो ये तो इसका रेजोनेंस हो गया। कितना रेजोनेंस होगा इसका बताओ? 5 रेजोनेंस होगा ना बेंजाइल में, 5 रेजोनेंस। यहां कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, कोई भी सपोर्टिंग ग्रुप अटैच नहीं है रिंग में। अब यहां पर तो ग्रुप अटैच है OH, यहां पर भी OH और यहां पर भी OH अटैच है। अब OH से कंपेयर करो, पहले यहां से देखते हैं OH का मतलब। अभी हम लोग डिस्कस किए थे फिनॉल वाला केस, फिनॉल में भी तो OH था, OH के चलते वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रिंग में छोड़ रहा था, रिंग में इलेक्ट्रॉन वो दे रहा था, कहां पे दे रहा था, ऑर्थो में एंड पैरा। ऑर्थो में कहां इंक्रीज कर रहा था, रिंग में, किस कार्बन में, जहां पे अटैच है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा। तो उसका मतलब यहां से इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो क्या आ जाएगा, यहां पर, और पैरा क्या पर आ जाएगा, यहां पर। मेटा में देखो, मेटा में अटैच है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ऑर्थो में एंड पैरा में। यहां से देखो इंक्रीज कहां किया, ऑर्थो एंड पैरा। अब यहां पर थोड़ा सा समझना है, देखो कार्बन यहां पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के नियरेस्ट कार्बन में नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन और पॉजिटिव चार्ज कार्बन दोनों एक दूसरे के कंसेक्यूटिव पोजीशन में आ जाने का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को दे देगा, मतलब उसका जो पॉजिटिव नेचर था वो घटा देगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है नेगेटिव चार्ज कार्बन से। उसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को OH इलेक्ट्रॉन दे रहा है यूजिंग व्हाट इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ऑर्थो में भी वही है, देखो इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ गया है तो पॉजिटिव के पास पहुंच जाएगा, मगर मेटा में क्या है, देखो इस कार्बन, जिस कार्बन में पॉजिटिव है उसके साथ ये कार्बन अटैच है, उसके ऊपर तो कोई नेगेटिव आया नहीं, आया तो यहां पर है, आना तो चाहिए था यहां पर, यहां पर आता तो उसको मिल जाता, मगर आया दूर में आ गया, इससे उसको तो फायदा होगा नहीं। उसका मतलब पैरा पोजिशन में OH का कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई होगा नहीं, मतलब इससे CH2 ग्रुप को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो मिल कहां से रहा है, ऑर्थो से भी उसको मिल रहा है, पैरा से भी मिल रहा है, ऑर्थो से भी मिल रहा है। और हमें पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, मतलब OH ग्रुप पैरा में हो या OH ग्रुप ऑर्थो में हो, दोनों सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बाय रेजोनेंस टू दिस CH2 प्लस। इसको इलेक्ट्रॉन OH पैरा में हो या ऑर्थो में हो, दोनों सेम अमाउंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट से हम लोग ये दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया होगा कि बी एंड डी इज मोर स्टेबल, बी और डी सबसे स्टेबल होगा ना, क्योंकि बी में OH क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, डी भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसको दे रहा है, मगर सी में जो OH है उसको दे पाया क्या? नहीं सर। C में जो OH है इट कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू द CH2 प्लस। उसके मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, बी आर डी वाला OH ग्रुप उसको दे रहा है। अब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, हमें तो पता है कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का मतलब कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, तो B में भी उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और उसको D में भी मिल रहा है। अब हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, मगर देखो ध्यान दो, माइनस आई इफेक्ट, बी का माइनस आई इफेक्ट और डी का माइनस आई इफेक्ट OH का, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, डी का। अब जरा कंपेयर करो कि बी का कार्बन में और डी में जो कार्बन है किसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिला,
बी या डी? बी, क्योंकि इसका रेजोनेंस दोनों का सेम, मगर इसका इंडक्टिव माइनस आई इसका कम है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन खींचा होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा ही खींच लिया माइनस आई से, तो उसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा? बी। देन माइनस आई फिर डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस पे। OH ग्रुप और यहां पर जो CH2 ग्रुप है, CH2 यहां तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका माइनस आई पावर कम होगा, खींचने का पावर भाई माइनस आई तो कम होगा, इसका तो ऑर्थो में है ना, सामने में है, तो इसका तो माइनस आई ज्यादा होगा। माइनस आई, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। दैट मीन्स OH ग्रुप क्या कर रहा है, देखो OH ग्रुप का यहां पर दो इफेक्ट है, OH ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है रिंग में, और OH ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन घींच भी रहा है माइनस आई से, इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और घींच भी रहा है, मगर ये OH ग्रुप क्या कर रहा है, ये भी दे रहा है और भी ये भी घींच रहा है, तो दोनों का देने का तो पावर सेम है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है, तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसा सोचो जस्ट समझने के लिए, ये भी 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 100 दे रहा है बाय रेजोनेंस, मगर ये यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और ये यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, क्योंकि ये तो दूर में है ना, तो माइनस आई कम होगा इसका, तो इंडक्टिव इफेक्ट से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ओवरऑल एक्चुअली इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 100 दिया था और वो 5 निकाला, मतलब इसके पास अभी 95 है, ये 100 दिया था मगर वो 10 निकाल लिया, मतलब इसके पास 90 मिला उसको, इज इट क्लियर? मगर इनमें तो कोई भी माइनस आई इफेक्ट है नहीं, तो इसमें तो और भी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि यहां से रेजोनेंस में उसको इलेक्ट्रॉन मिला। देन डी, अब हम लोगों को ए और सी में कंपेयर करना है, ए में इसको कोई भी ऐसा कोई ग्रुप अटैच नहीं है जो इससे इलेक्ट्रॉन दे रहा हो या ले रहा हो, मगर यहां पर सी में क्या है, देखो सी में इसको इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा है, तो उसका मतलब इसका तो माइनस आई इफेक्ट अवेलेबल है, तो ये क्या कर रहा है, इस सी एच टू से इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहा है, तो मेटा पोजिशन में OH का क्या इफेक्ट अप्लाई होगा? ओनली माइनस आई। माइनस आई से मतलब क्या, वो यहां से इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ वो घींच ले रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वो इंक्रीज कर देगा, जो यहां पर इस तरह का कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, किस कार्बन में सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा? सी में, क्योंकि OH ग्रुप तो उससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अपने तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज को तो वो बढ़ा देगा, ये OH ग्रुप तो इसमें पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, यहां पर तो ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, जितना था उतना ही होगा, केवल एक्स्ट्रा रेजोनेंस है, वो रेजोनेंस तो रिंग के चलते रेजोनेंस तो यहां पर भी है, मगर OH घींच भी रहा है, मतलब सबसे, उसका मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन में होगा? सी का कार्बन में, क्योंकि OH क्या कर रहा है, माइनस आई घींच रहा है इससे, तो उसका मतलब विच इज द लीस्ट स्टेबल? सी। देन ए, एंड सबसे स्टेबल हो जाएगा बी। उसका मतलब कार्बोकेटाइन तभी स्टेबल होगा जब कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सो एनी ग्रुप विच विल गिव इलेक्ट्रॉन टू द कार्बोकेटाइन, इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा कहां मिला? बी से मिला। क्यों मिल रहा है? बी या डी में कैसे कंपेयर किए? क्योंकि बी में जब हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, पहले तो OH का नेचर क्या है, OH तो इलेक्ट्रॉन रिंग में छोड़ता है, OH गिव्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग, कहां पर देगा रिंग में? ऑर्थो एंड पैरा में, यहां पर भी तो वही हुआ ऑर्थो एंड पैरा, तो उसका मतलब इस कार्बन, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, उसका नेक्स्ट कार्बन में पहुंच चुका है, पॉजिटिव कार्बन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज अटैच्ड टू विद द नेगेटिव चार्ज कार्बन, तो नेगेटिव चार्ज कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को दे देगा, क्योंकि वो तो बगल में है उसके पास। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? का हाँ,
सी में ओ एच ग्रुप है ना, इसका क्या इफेक्ट है? अरे यहाँ पर तो रेजोनेंस इफेक्ट है ना, अभी बताया ना यहाँ से रेजोनेंस इफेक्ट के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पड़ेगा? ऑर्थो एंड पैरा, यहाँ तो रेजोनेंस इफेक्ट है, यहाँ तो रेजोनेंस इफेक्ट है नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ इंक्रीज कर रहा है? ऑर्थो एंड पैरा, ये तो मेटा में है, इसके रेस्पेक्ट में